अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके गेमिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लैम्बोर्गिनी टर्जो को आप कैसे GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे चला सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत होगी और ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर शिफ्ट कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम अपना ओपन आई वी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपन आई वी जो है ओपन हो गया है। सबसे पहले हम एडिट मोड पे क्लिक कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। एडिट मोड को ओपन करने के बाद आपने जो है सबसे पहले जाना है अपने अपडेट फोल्डर पे। लेफ्ट साइड पे ये इधर दिया हुआ है अपडेट फोल्डर। अपडेट पे जाने के बाद आपने X64 इस पे जाना है और DLC पैक पे जाने के बाद आपने अपनी फ़ाइल ओपन करनी है लैम्बोर्गिनी वाली। लैम्बोर्गिनी वाली फ़ाइल ओपन करने के बाद आपने लैम्बोर्गिनी फाइल्स अपडेट X64 DLC पैक्स और यहाँ पे ये टर्जो फाइल दी हुई है, इसे आपने सिंपली इधर पेस्ट कर देना है। ये आपने नीचे पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर ये नीचे फाइल आ गई है टर्जो। यहाँ तक आपका यही काम था। अब आपने ये वाली फ़ाइल बंद कर देनी है और यहाँ पर इस पे बैक पे आ जाना है अपडेट पे। अपडेट पे आने के बाद अपडेट RPF पे इस दफ़ा आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये अगर आपको कॉपी टू मोड्स दे तो आपने कॉपी टू मोड्स कर देना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो गया है कॉपी इस मोड्स वाले फोल्डर में। इस वजह से ये मुझे शो इन मोड्स फोल्डर कर रहा है, इसलिए मैं शो इन मोड्स फोल्डर पर क्लिक कर दूँगा। शो इन मोड्स फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है कॉमन में डेटा और नीचे सबसे यहाँ पे आ जाना है आपने DLC list.xml। इस पर क्लिक करके एडिट मोड पे आपने क्लिक करना है और ये वाली इस तरह से आपके सामने फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने दोबारा से जाना है जो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखी थी फ़ाइल, वहाँ पे जाना है लैम्बोर्गिनी और रीड मी फाइल ओपन करनी। यहाँ पे आप नीचे ये देखेंगे, यहाँ पे ये इन्होंने कुछ आईडी सी दी हुई है। यहाँ पे आपने इस वाली जो है सेक्शन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इस फाइल को नीचे कर देना है और इसको भी बंद कर देना है और यहाँ पे आके आपने सबसे नीचे आइटम के आगे इसने क्लिक करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने Ctrl V यानी कि इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ तक और इसे सेव कर देना है। दोस्तों, हमारा यहाँ तक ही काम था। अब हम ओपन करेंगे अपनी GTA 5 और देखेंगे कि हमारी GTA 5 जो है वो उसमें लैम्बोर्गिनी टर्जो इंस्टॉल हो गई है या नहीं हुई। तो चलते हैं गेम में। तो फाइनली हमारी GTA 5 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हम अपनी जो है लैम्बोर्गिनी टर्जो को कैसे स्पॉन कर सकते हैं। तो इसके स्पॉन करने के लिए हमने मोड मेन्यू की ज़रूरत होती है, जिसकी इंस्टॉलेशन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मोड मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए F8 का बटन प्रेस करेंगे। तो मोड मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें हम व्हीकल ऑप्शन में जाएंगे, व्हीकल स्पॉनर, और सबसे नीचे जो है इनपुट मॉडल में। इनपुट मॉडल में आपने वही मॉडल टाइप करना है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है या ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इसमें हम टाइप करेंगे टर्जो, और याद रहे कि आपने स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखने हैं। अगर आपके स्पेलिंग सही नहीं होंगे तो वो आपको स्पॉन नहीं करेगा। और यहाँ पर ये हमारी गाड़ी स्पॉन हो गई है। हम अपना मोड मेन्यू बंद कर देते हैं और अब इसे चला के देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक तरह से चल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।